हिंदुस्तान स्टील कोलवारसी इम्प्लाइज यूनियन के द्वारा सुदाम डीवारसी पीओ कार्यालय के गेट के समक्ष तीन सूत्री मांगों को लेकर चल रहे तीन दिवसीय धरना आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में तब्दील हो गया, जिसकी मुख्य मांग दिनांक 21/11/2016 को झारखंड हाई कोर्ट से रांची के द्वारा सुनाया गया फैसला को मानते हुए 149 मजदूरों को केजुअल में काम दिया जाएगा। सुदाम डी कोलवारसी में बरसों से पड़े सैलरी बॉन्ड को हिंदुस्तान स्टील कोलवारसी इम्प्लाइज यूनियन के असंगठित मजदूर के द्वारा खाली कराया जाए। सुदाम डी कोलवारसी क्लिनिक का काम असंगठित मजदूर से कराया जाए। यदि मांग को लेकर हिंदुस्तान स्टील कोलवारसी इम्प्लाइज यूनियन के बैनर तले सोमवार को तीन दिवसीय धरना दिया गया। प्रबंधन के द्वारा किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई के बाध्य होकर आज से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में खगेन महतो, दुर्गा चरण महतो, कीनू बावरी, दीपक बावरी, सुभाष महतो बैठ गए। यूनियन के जनरल सचिव आर के तिवारी ने कहा कि आरएलसी धनबाद तथा बीसीसीएल के प्रबंधन के बीच 2005 में त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, जिसमें यह समझौता हुआ था कि 149 मजदूरों को केजुअल में काम दिया जाएगा, पर बीसीसीएल मैनेजमेंट वादा खिलाफी कर मजदूरों को काम नहीं दे रही। मजदूरों के समक्ष भूखमरी की स्थिति आ गई है, जिसके कारण बाध्य होकर आज से आमरण अनशन पर चले गए। वहीं श्री तिवारी ने कहा कि आने वाले समय में हमारी मांगों पर प्रबंधन के द्वारा सम्मानजनक समझौता नहीं किया गया तो हमारी ही नियम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी और कंपनी के ट्रांसपोर्टिंग सहित अन्य कामों का चक्का जाम कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही प्रबंधन की होगी। वासरी में ये लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं। काम करने के दरमियान 2000 में आरएलसी एक बार समझौता हुआ कि लोगों को रेगुलर काम दिया जाएगा। हाई कोर्ट में भी जो ये लोग कंटिन्यूस काम के लिए जब गए तो हाई कोर्ट में भी बीसीसीएल का एडवोकेट ने हाई माननीय जज के सामने ये बात रखा कि नहीं, ये लोगों को रेंडर वर्क दिया जाएगा कंटिन्यूअस। हम लोग का डिमांड था कि ये वासरी जो में जो काम कर रहे हैं जो मजदूर हैं इनको नियमित किया जाए, बीसीसीएल में इनको रेगुलाइज किया जाए, लेकिन आरएलसी ने इसको समझौता के तहत ले आया कि जब तक यह प्रक्रिया नहीं पूरा होता है कि इनको नियमित नहीं किया जाएगा तब तक इन्हें लगातार अपनी रोजी रोटी को मैंने ये करने के लिए इन्हें काम दिया जाएगा। ये आरएलसी का समझौता था, त्रिपक्षीय समझौता था जिसमें यूनियन मैनेजमेंट एंड आरएलसी था, लेकिन उसको भी ये मैनेजमेंट जो है वासरी मैनेजमेंट उसको आरएलसी की बात को फॉलो नहीं किया और ये लोगों को कंटिन्यूअस काम नहीं दिया गया। 2000 से ही काम बंद किया गया, 2005 से काम बंद किया गया। तो हम लोगों का डिमांड है कि भाई आप हमको नियमित किया जाए, परमानेंट दिया जाए हमारा रोजगार। जब तक आप परमानेंट नहीं दे रहे तब तक हमें जीने का रास्ता तो दें। यहाँ बहुत तरह का काम अभी ये वासरी का अस्तित्व को समाप्त किया कर करके आपका पाथाडी में नया वासरी बन रहा है, तो ये जो मजदूर जो कंटिन्यूस वासरी के लिए अपना जी जान लगाए हैं, अपने खून पसीना बहाए हैं, इनको किसी भी जगह नया वासरी हो पुराना वासरी हो कहीं इनको रोजगार दिया जाए ताकि इनकी बाल बच्चा ये अपना जीवन यापन कर सकें। केस अगर डिसमिस कर दिया गया, ये मजदूर हैं और मजदूर मैनेजमेंट, एक तरफ मैनेजमेंट है दूसरे तरफ मजदूर हैं, एक बात आप मैंने ये जानते ही हैं कि मैनेजमेंट के पास में सरकारी पैसा है, एक से एक वकील रखने की उनकी क्षमता है, इन मजदूरों के पास अपना रोटी खाने का पैसा नहीं है। ये मजदूर हाई कोर्ट में केस का जो मेरिट है, हम तो नौकरी मांग रहे हैं, हम तो रोजगार मांग रहे हैं, हम तो ये नहीं कर रहे कि आप हमको मैंने परमानेंट ही कर दीजिए, हमको तो कैजुअल में भी रख के आप काम दीजिए। तो ये हमारा मांग को अगर हाई कोर्ट में अगर डिसमिस ही हुआ तो हाई कोर्ट तो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है देश का। हमारे पास हम लोग लगे हैं अपने मांग रहे हैं, हम लोग चंदा कर रहे हैं, अगर संभव होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपने न्याय के लिए। जो है ये अभी तक जारी रहेगा जब तक कि प्रबंधन के द्वारा कोई सम्मानजनक बात मजदूरों के बीच में तो पहल हो जाने के बाद में। हाँ, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये भूख हड़ताल हो सकता है कि इसको जारी रहेगा। अभी तो 5 लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल में।